हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. थॉट ऑफ द क्लास: टू लिव ए क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लूज अवर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग. इट मींस क्रिएटिव जिंदगी जीने के लिए गलत होने के हमारे डर को हमें मिटा देना चाहिए. आज की हमारी क्लास का मोटो है, अगर आप शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए. मतलब कि हमें लोकप्रिय होने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति या फिर शांति सद्भावना हमारे अंदर रहे, इसके लिए हमें निरंतर कार्यरत रहना चाहिए. चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंस और फॉर को. सबसे पहले देख लेते हैं सिंस. सिंस का यूज़ जो है हम क्या करते हैं, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि निश्चित समय यानी कि सर्टेन टाइम के लिए करते हैं. ठीक है, अब देखिए सर्टेन टाइम क्या होता है. सबसे पहले जब हम वॉच देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, ओ क्लॉक लिखा मिलेगा. ठीक है, और उसके साथ में एएम और पीएम, मतलब कि एंटी मीडियन और प्राइम मीडियन, इस टाइप से टाइम लिखा रहता है. ठीक है, तो इसको माना जाता है क्या, निश्चित समय. फिर नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपके सेंटेंस में किसी भी डे का नाम दिया हो, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, इस टाइप से कोई भी डे का नाम हो. ठीक है, नेम ऑफ डे मतलब का कोई भी डे का नेम हो, तो वो भी क्या होता है, सर्टेन टाइम मतलब कि निश्चित समय. फिर अगला है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट. यदि इसमें से भी किसी भी टाइम की बात हो, मॉर्निंग की हो या आफ्टरनून लिखा हो या इवनिंग हो या नाइट लिखा हो, ठीक है, इसमें से कोई भी वर्ड मिलता है तो ये भी आपका क्या होता है, सर्टेन टाइम ही माना जाता है. ठीक है, अब कोई भी ईयर दिया हो, ठीक है, जैसे 1980 या फिर 2021 या फिर 2018, इस टाइप से कोई भी ईयर दिया हो, है ना, 1857, जो भी ईयर दिया हो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं. ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में क्या होता है, जैसे बोला जाता है लास्ट वीक, है ना, एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा लास्ट नाइट, है ना, इस टाइप से जो वर्ड रहते हैं जिसमें क्या लग जाए, आपका लास्ट लग जाए और प्लस टाइम, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं. जैसे कि एप्लीकेशन में हम लिखते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना, तो वहाँ भी सिंस का यूज करते हैं. क्यों, क्योंकि लास्ट जो है वहाँ पे जुड़ गया है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, सिंस का यूज कर लेते हैं. चलिए देख लेते हैं अब फॉर का यूज. फॉर क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कहने का अनिश्चित समय के लिए. तो देखिए वहाँ पे क्या था, ओ क्लॉक था, और यहाँ पे क्या है, आवर्स. ठीक है, आवर्स मतलब दो घंटे से, है ना, वहाँ था 2 बजे से, यहाँ पे 2 घंटे से, वहाँ पे था 3 बजे से, यहाँ पे था 3 घंटे से. ठीक है, 24 घंटे की घड़ी होती है, कौन से 2 घंटे, कौन से 3 घंटे, है ना, नहीं बता सकते ना, तो ये अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इनके आगे फॉर का यूज कर लेंगे. फिर हमारा क्या होता है, जब हम लोग बोलना हो कुछ समय, है ना, कुछ समय या थोड़ा समय, इस टाइप से बोलते ना, तो सम टाइम, इस टाइप से जब हम बोलेंगे सम टाइम का यूज करेंगे, तो इसके पहले भी क्या आएगा, आपका फॉर होगा. क्यों, क्योंकि ये भी कुछ समय फिक्स नहीं होता, कितना कुछ समय, है ना. फिर नेक्स्ट है आपका ईयर्स, है ना, वहाँ पर था क्या, डायरेक्ट ईयर का सन दे रहे थे, जैसे ये दिया है, ठीक है, ये सन दे रहे थे उसमें, इसके लिए हमने क्या लगाया था, सिंस. अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, 19 वर्षों से 19 ईयर्स, है ना, तो ये वर्षों के लिए क्या आएगा आपका, फॉर, कौन से 19 वर्ष, है ना. फिर नेक्स्ट था हमारा वीक्स, वहाँ था लास्ट वीक, अब यहाँ पे वीक्स कई हफ्तों से, है ना, अब वो हफ्ते फिक्स नहीं हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, फॉर का यूज होगा. क्लियर, अब डेज़, वहाँ पे डे का नेम फिक्स था ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस टाइप से फिक्स था, इसलिए वहाँ सिंस आया था. अब यहाँ पे फिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि 3 दिन, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, इस टाइप से. ठीक है, तो ये डेज़ के लिए भी क्या हो जाएगा आपका, फॉर का यूज हम कर लेंगे. अब देखिए आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना, मतलब कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसकी, सेंटेंस मेकिंग की. तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बर्प पर बनाया हुआ है, ठीक है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से अब नोट कर लीजिए वर्ब को या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो का, और उन्हीं वर्ब के साथ में आप सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।